भाई क्या कर रहे हो? एक अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे। आई थिंक दिस इज द सेकंड डे और थर्ड थर्ड हो गया जी, थर्ड हो गया। और ये हमारा जो सीरीज है, दिस इज द सीरीज ऑफ अस गोइंग फ्रॉम लाहौर टू स्कर्दू बाय रोड। यस। और पहले जो कि आपने ब्लॉग देखा, बेसिकली हम अब नयान से निकल चुके हैं। और मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूं, ये तो दिखाने वाली चीज़ यार, ये पहले आप देख लें, ठीक है? आपको याद है कि हम जो पहला ब्लॉग आपने देखा कि हम पहले नारान पहुंचे, नारान से हम ऊपर चले गए कौन सी सैफुल मलूक लेक, ठीक है? वहां पे आपने देखा कि हम किस तरह से पहुंचे, लेकिन वर्थ इट था डेफिनेटली। लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई आगे थोड़ा सा नीचे होते हुए नारान से आगे स्कर्दू की तरफ जब निकलते हैं आप सड़क से, तो साफ सड़क एक तो आपको मिलती है और लेफ्ट पे इतना खूबसूरत नजारा मिलता है, जिसमें साथ ही आपको भाईजान ये क्या है, ये जो साथ दरिया है, बहुत ही खूबसूरत दरिया जो है मिलता है। यार क्या बात है, यहाँ पे क्या है, दरिया सिंध है ये। अच्छा यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे लोगों ने वो पॉट भी लगाए हुए, कैंपिंग की हुई है, कैंप्स लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारी जगह। और लेफ्ट राइट पे जो हमें व्यू मिल रहा है, ज्यादातर जो लोग आते हैं वो नारान तक आते हैं, तो उसके आगे वाला जो हिस्सा है अभी तक कह लें कि बचा हुआ है, खूबसूरती बची हुई है, नेचर बची हुई है, साफ सुथरा है। इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं कि भाई अल्लाह पाक की जो खूबसूरती है उसको फिर हमने अगर इस तरह से आके एंजॉय करना, तो फिर साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये अब आप देखें, यहाँ से हम गुजरने लगे हैं जी, बहुत ही प्यारा खूबसूरत रास्ता है। अब हमारी अगली जो मंजिल है वो स्कर्दू है, लेकिन रस्ते में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ पे रुके, एंजॉय करें, नाश्ता भी हमने करना, देखते हैं क्या खाने का मूड है। पराठा खाएंगे। इकरा ने कुछ स्लाइड खाना है, इकरा अंडा पीस खाएगी, इर्जा ने खाना है पराठा, शानी ने क्या खाना है? इंशाल्लाह हम कुछ बहुत मजे का खाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से हम चलते हैं। अभी तक तो बहुत प्यारी सड़क थी, मुझे तो दिल कर रहा था ऐसी सड़क अगर हमें मिल गई आगे तक। जहाँ पानी आ रहा है ना, वहाँ से टूटी मिल रही है सड़क। हाँ, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत था, टूट जाती। ये देखे जी, ये बर्फ के पहाड़ जो है वो नीचे आ चुके हैं, यानी ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, कुछ पानी की सूरत में नीचे आ रहे हैं, कुछ पूरे पूरे बर्फ के पीसेस जो है वो नीचे आए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अगर आपको कहे जी सर्दियों में जाएं, बर्फबारी में जाइए, वो नहीं भाई, ये भी बहुत जबरदस्त मौसम है। ये देखें जी, ये बेंच आ गए हैं, ये इनके ऊपर बैठ सकते हैं आप सारे। जब बैठे तो मुझे बताना फिर कैसा लगा, ठीक है शानी? ठीक हो गया। ये इसी के तो पैसे हैं भाई, इसी के तो पैसे हैं, क्या बात है यार। वो लेफ्ट साइड पे आप पहाड़ों के ऊपर वो घर चेक करें, और वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, वाह 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 वाह। मतलब ऑब्वियसली हो सकता है कि उनका भी दिल हो के भाई हम भी कहीं लॉज और जाके रहें, लेकिन जो चीज़ वो एंजॉय कर रहे हैं, ओए ओए सही बात है, जबरदस्त। और ये कितनी सारी हैं, यार ये इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं, इस जगह का नाम है बाटा कुंडी। यार यकीन माने नारान बहुत ओवर रेटेड है, ये जो खूबसूरती हमने यहाँ पे देख ली है, वाह 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 क्या कहने। यार ये एक पॉइंट ऐसा था कि हमने कहा यार यहाँ पे तो रुकना थोड़ा तो बनता ही है। यार देखें यार आप, क्या बात है यार, ओए भाई क्या कर रहे हो? एक राग, अच्छा ये लिया, लेटने लगी है, एक रस लिटा के आ रही है, लेकिन आप उफ भाई जन्नत जन्नत में है हम इस वक्त, क्या बात क्या बात। ये देख क्या बात है भाई साहब, ओ हो यार सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह वाह। बहुत 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 खूबसूरत ड्राइव के बाद, यानी मैं तो कहूँगा भाई नारान जो लोग आते हैं थोड़ी सी हिम्मत करें, और हिम्मत वाली बात है ही कोई नहीं, क्योंकि इतनी प्यारी सड़क है, इतनी प्यारी है, लेफ्ट राइट आपको लैंडस्केप देखने को मिलेगा, बहुत खूबसूरत। आगे आए, अब ये कौन सी जगह जी, बेसल बेसल जी है, ये आप देख सकते हैं बेसल, तकरीबन हम पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, जो कहते हैं दिल खुश हो गया ना, जो
अभी तक मेरा नारान तक पहुंचने या ऊपर वो लुलू सर थी क्या थी सैफुल मलूक सॉरी अभी वहां पे गए थे आगे लुलू सर भी आनी है आई थिंक अभी आने वाली है अभी हम बेसल पहुंचे हैं ये देखे हाँ ज्यादा लोग नारान तक आते हैं आपने देखा था ना वो ट्रैफिक भी उधर नारान में ही सारी स्टक हुई थी हाँ इधर वाली साइडों पे कभी नहीं ट्रैफिक बिल्कुल ये मून की पार्किंग है जी हम ये पहुंच गए जी मून रेस्टोरेंट बेसर बहुत इसके नाम सुने हम हर जगह हर पत्थर पे मून रेस्टोरेंट भाई देख के आए हर दीवार पे इनका हमने कैनवस पेंटिंग जो है देखी है मून रेस्टोरेंट की पार्किंग में पहुंच गए अब यहाँ पे जाके देखते हैं खाते हैं कुछ देखते हैं खाना इनका कैसा है फिर आपको जाहिर हम बता तो देंगे हेलो बैठ गए जी हम मून रेस्टोरेंट में अब ये चेक करें बड़ी मजे की सिटी है इनकी और खाना हमने ऑर्डर क्या किया जी क्या क्या ऑर्डर किया हमने किया नेहारी और बोंग पाए हाँ है ना दुम्बा शिनवारी और बारबेक्यू हर जगह मून रेस्टोरेंट का नाम आपको नजर आएगा जब आप सारे कह रहे थे कि आप मून रेस्टोरेंट से खाना जरूर खाइएगा अभी हमें नाश्ते की आइटम्स मिल रही हैं लेकिन कोई बात नहीं हमने वापस तो यहीं से गुजरना है यस तो हम फिर खाना भी खा सकेंगे अभी नाश्ता हमारा आता है फिर हम आपको खा के बताते हैं दिखाते भी हैं खा के भी बताते हैं कि कैसा है इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे पहले बाबू सर टॉप सिटिंग बहुत हाँ बहुत मज़े का सीन है यस बहुत स्पेस है इसके बाद बाबू सर टॉप और उसके बाद हमारा आगे स्कर्दू से भी आगे आज जो हमने रुकना है वो स्कर्दू से भी आगे हमने जाना है नाम मेरे जहन से निकल गया क्या नाम था मनखोता मनखोता नहीं नाम देख के बताया था यार दोबारा देख वाटरफॉल है आपको पता ही होगा लेकिन मनथोका ये है शायद नाम बहरहाल कन्फर्म कर लेंगे अभी आपको बताते हैं यार अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है भाई हाँ नहीं जी हमने निहारी ऑर्डर की है हाँ वो भी अपने निहारी ऑर्डर की है रिजा कह रही है निहारी बहुत अच्छी है हमने पाए ऑर्डर किए थे लेकिन मुझे इतने मज़े के नहीं लगे लाहौर में जो मशहूर पाए हम खाते हैं घर के भी उनका टेस्ट ही और होता है तो मैंने कहा निहारी हमें भी ला दें भाई निहारी खा लें हम भी मैंने खाई नहीं अभी तुमने खाई नहीं अभी अभी तो एलिया को खिला रहे शान साहब बहुत ठंडा पानी है फ्रीज हो गए जम गए जाहिर है वो ग्लेशियर का पानी आई थिंक जो पिघल के आता है ना उसको स्टोर करते हैं मैं भी धोता हूँ हाथ हमने खाना खा लिए और चाय भी पी ली है अब हम यहाँ से मारेंगे नारा और निहारी भाई बहुत मज़े की थी वर्थ इट थी लेकिन हम अब यहाँ पे दोबारा आएंगे यूनाइटेड नेशंस की भी गाड़ी आ गई यूएन की तो बहरहाल हम यहाँ से निकलते हैं और अब अगला कहाँ जाएंगे बाबू सर टॉप चलेंगे सफ़र हमारा फिर से शुरू हो गया जी और लेफ्ट साइड पे हमारे अब आ गया है लुलूसर लेक यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा ये अपील इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हमने रास्ते में बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी है लेकिन ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स रास्ते में आते जाएंगे जो कि मैं कहता हूँ कि वो अपनी मिसाल आप है बिल्कुल तो यहाँ पे इसका पॉइंट मेरा ख्याल है आ गई है सर लेक और वो नीचे जहाँ पे लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो इसका पॉइंट है जहाँ पे लोग जाके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं बट आई थिंक अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो पहले जो हमने चीज़ें देखी हैं वो बहुत प्यारी हैं दया सिंह के जो मज़े देखनी है और जो सैफुल मलूक हाँ वापसी पे रुक सकते हैं अभी इतना वर्थ इट नहीं लग रहा बहरहाल व्यू आप देखें वाह वो उल्टे साइड पर यार पहुंच गए हम बाबू सर टॉप यार मैं कहता हूँ क्या बात है यार मतलब आप कहते हैं कि ये जमीन पर है मैं नहीं मानता यार ये आ गया आपका बाबू सर टॉप पे हम पहुंच गए अच्छा टॉप पे पहुंच गए नीचे उतरना शुरू हो गए हैं और हमने अपना जो अगला सफर है वो भी शुरू कर दिया यार लेकिन क्या खूबसूरती है भाई क्या खूबसूरती है
सही बात है, सब कुछ है, जैसे हम सब कुछ है, सब कुछ है, सफाई रखें क्योंकि बाबू सर टॉप के हालात हमने देखे हैं, वहाँ पे लोगों ने गंद डाला हुआ है, हम रुके नहीं वहाँ पे, लेकिन भाईजान रास्ते में ही आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। बाबू सर टॉप जो कि यहाँ से तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटा दूर होगा, वहाँ पर अच्छी खासी सर्दी पड़ी थी ज़ाहिर है ग्लेशियर से वहाँ पे, लेकिन इस वक्त हम जहाँ पर हैं ये है जी द्यामर चल्लास, यहाँ पर तकरीबन कह लें कि 30 से ज़्यादा हो चुका है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है अभी इस वक्त? 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस वक्त टेम्परेचर हो चुका है, यानी अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। अब मज़ीद जब हम आगे जाएंगे गिलगित की तरफ, गिलगित से फिर आगे स्कर्दू, फिर वहाँ पर दोबारा से ठंडा हो जाएगा जी इलाका, तो आप बस कुदरत का निज़ाम चेक करें। अच्छा जब आप वहाँ से आएंगे तो फिर ज़ाहिर आपने देखना है कि आप पेट्रोल कहाँ कहाँ से डलवा सकते हैं, तो पहले तो आपने नारान से टंकी फुल करानी है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे PSO है कराकरम हाईवे पर, ये है चिल्लास में, और यहाँ से आपने टंकी फुल करा के फिर आगे निकलना है ताकि आपको पेट्रोल का मसला ना हो। ठीक है जी, अब ज़रा हम यहाँ से एसकॉम की सिम पता कर लें क्योंकि यहाँ पर हमारे किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा, एसकॉम की सिम यहाँ पर मिलती है वो चलती है जो कि शानी पता कर रहा है। जी इस वक्त हमने जगलोट क्रॉस कर ली है और अभी हम मुड़ चुके हैं स्कर्दू की तरफ क्योंकि हमें स्कर्दू जाना है, या आप यहाँ से जगलोट से आगे सीधा जाके गिलगित की तरफ यानी हुंजा की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप स्कर्दू की तरफ टर्न ले सकते हैं, और हम स्कर्दू की तरफ टर्न ले चुके हैं यानी स्कर्दू जा रहे हैं। और बस ये जो सड़क है ना पत्थरों वाली, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तकरीबन कितना जी कितने किलोमीटर स्कर्दू के लिए? 166 है जी मजीद फॉर स्कर्दू। यार आप कल ही और किस चीज का कॉपीराइट आया ना, ये जाप है मूनलाइट का है। अच्छा जी हम ने सीट अदला बदली कर ली है ईशान ने और मैंने, और अब हम स्कर्दू के रास्ते में हैं, तकरीबन 120 किलोमीटर या 115 किलोमीटर जो है वो रह गए आज, लेकिन हमने जहाँ में जाना है वो स्कर्दू से भी आगे है तकरीबन 2 घंटे कह लें आगे, तो अभी हमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा ये जो सड़क है ना कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन कुछ पैचेस बहुत ही मज़े के हैं, नए नए बने हुए हैं, वहाँ पे गाड़ी चलाने का मतलब ऑब्वियसली मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक काम है ये, ट्रेन ड्राइवर्स को ही यहाँ पर आना चाहिए और गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन जिनको आती है बहुत मज़े की ड्राइव है यार। क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है ना वो स्कर्दू से आगे है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आगे है, लेकिन जो रास्ता है ना वो भी मसला नहीं है, जो रास्ता है उसका वो ऐसे जैसे गांव में से गुजर रहा है, कच्ची सड़क है फिर पक्की आती है फिर कच्ची हो जाती है, तो अभी तक अब जाहिर है वो चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आप अगर मंतोका वाटरफॉल पे जाना है या रिजॉर्ट पे जाना है तो अब जाके हम बता सकेंगे कि भाई वर्थ इट चीज़ है या नहीं। बहरहाल क्या दिखाना चाह रही है, दिखा देना आप खुद ही दिखा देना। कितना प्यारा लग रहा है, कहीं कहीं सूरज पड़ रहा है कहीं नहीं पड़ रहा है ना बादलों की वजह से। बहरहाल अभी हमारे तकरीबन 30 मिनट अभी भी हैं, तो बस हम जा रहे हैं, ये रास्ता दिखाएं, हम जा रहे हैं उधर और जाके फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी जगह है। और हमारा मज़े की बात ये है, अच्छी बात भी है बल्कि, कि आज स्टे भी वहीं पर है, या मैं अभी फ़ौरन वापस नहीं आना, कल वहाँ से हम निकलेंगे आराम से। एंड फाइनली वी आर हेयर। अच्छा यहाँ पे और भी यार, ये देखे ये राइट पे देखो काफी कुछ है यहाँ पे, खामोश आबशार भी है यार, खरमंग खास मैंने बहुत सुना है, खामोश आबशार, तुलती नाला लेक, यार इसकी एक पिक्चर बना लो ताकि पता हो कि यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है अच्छा जी, ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हम ये देखे मंटोका वाटरफॉल रिजॉर्ट राइट साइड में, वहीं पे हम जा रहे हैं। और अच्छा ये देखें ये बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या कितने दूर है, मंडो का 5 किलोमीटर है, खामोश वाटरफॉल 46, इसी तरह बाकी भी 30-30 तो बहुत ही दूर है।
तो हम वीडियोस निकाल के देख लेंगे, जो वर्थ इट हुई जगह उस आगे अगर यहीं से हमने जाना हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर बाकी जो प्लान है वहाँ पे चले जाएंगे। बाहर हम पहुँचने वाले हैं, मुझे तो लगा था हम पहुँच गए, वहाँ पे लिखा है मजीद 5 किलोमीटर आगे जाओ। क्या मतलब 7 मिनट यार, ये मैप ठीक नहीं है, मैप ठीक है, हम पहुँच गए नहीं, टाइम क्यों हुए, ये कम ही नहीं हो रहा टाइम। बहुत नींद आएगी पर मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, एक तो ये क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रही, दूसरा मैं। एंड फाइनली वी आर हियर, दिखाते हैं और फिर रूम टूर भी आपको कराते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो मनथुका वाटरफॉल है ये है जी, इसके लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे आके फिर ये ब्रिज भी एक है और ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन बात ये है कि रास्ते में आपको और भी बहुत कुछ मिल जाता है जब आप यहाँ तक आते हैं गाड़ी के ऊपर नारान साइड। अब रूम दिखाते हैं और ये है जी वो जगह जहाँ पे हम स्टे करेंगे, यानी वो सामने आपको वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होगी और ये यहाँ पे ये नीचे 2 beds और फिर ऊपर भी बेड है और फिर यहाँ पे वॉशरूम। जी रास्ता बहुत लंबा था, नींद भी बहुत आ रही, लेकिन खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो खाने में क्या है जी, ये मखनी हांडी है मुझे लग रही, और ये कॉम्प्लीमेंट्री दी है। वाह भाई वाह। और इसके बाद ये जो है ये लग रही, और उसके बाद ये ट्राउट है, ये ट्राउट फिश है और ये हमारे आगे फ्राइज। सुबह सुबह उठ के लोगों के आने से पहले, क्योंकि हम रह यहाँ पर रहे हैं तो हम आ गए हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा। या ये कभी रुकती भी होगी वाला आबशार? नहीं, बहरहाल है खूबसूरत। देख रहा है कि ग्लासेस वो वहाँ पे रह गए हैं भाई साहब। यहाँ से जाते हैं हम दोबारा से ग्लासेस लेने के लिए। वहाँ से कहाँ से वहाँ से फिर हम मजीद ऊपर आ गए। ये तो हम बीच में उसके जा सकते हैं आबशार के, लेकिन क्या आबशार के बीच में जाना चाहिए या नहीं, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। मुझे मेरा कोई मूड नहीं है कपड़े जूते ख़राब करने का। नहीं जी, आबशार पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। क्या हुआ है, चलें? कुछ नहीं है यहाँ पे। हेलो, पुदीने? इतना बड़ा पुदीना, इतना बड़ा पुदीना कैसे यार? ये पुदीना कैसे? वही वाकई पुदीना है यार, बहुत फ्रेश है भाई। वाह 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 वाह। चले आए आते हैं वापस, फिर मिंट मार्केट बनाते हैं आज। चले उठे कैसे, ये देखें जी। अब आपको दिखाते हैं ब्रिज वो वाला। हाँ, वो ब्रिज पे जा रहा हूँ वो, ये देखें। ये हम आ गए जी ब्रिज पे, जो कि बहुत ज्यादा डोलता है। यहाँ पे पानी है, यहाँ भी पानी है, नहीं आ रहा है। यार आपको मजाक में आ रही है, तो ये बहुत डोल रहा है, पीछे ही है ना, आ तो नहीं रहे, नहीं आ रहे। चले भागे। हाँ भागे नहीं तभी है वैसे होता।
और वो आ गए हम सामने हमारे लॉफ्ट्स। नाश्ता क्या करे? अच्छा, इनका नाश्ता कुरकुरे था, आपस की बात। और शान साहब क्या करे? हाँ जी, what's up? प्लानिंग हो रही है? प्लानिंग आए, बताऊं क्या प्लान किया? नाश्ता हमने करवाया जी, अंडा ते पराठे ते नाल आएगी चा। ये खेली जा रही है गेम और इधर बन रही हैं तस्वीरें। सुमनठोका के बाद हम निकल पड़े शेगर के लिए, विच वॉज फुल ऑफ एडवेंचर। क्या कुछ हमने वहाँ पर किया, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।